आप सब लोग तो आज मैं जा रहा हूँ अपना एक नया चीज लेने के लिए, एक लैपटॉप। में पहला लैपटॉप लेने आ रहा हूँ, पापा ने कार्ड दे दिया, पैसा दे दिया है, एंड अब जाऊंगा मैं लेने के लिए। देखते कौन सा लेता हूँ, आपके लिए सरप्राइज है पूरा, मैं देखना अनबॉक्सिंग वाला, ठीक है, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस बार भी और आज चिंदे आ रहा है, देखते आज क्या मजा करते हैं। ये बराबर जानते मैं कहाँ जा रहा हूँ वैसे, अभी तो बोला कहीं भी जा रहा हूँ, सही बोला तुमने, हाँ राज के घर पे, इसको पता पता है मेरा अड्डा वहीं पे है, लेकिन अब अड्डा है नहीं, बन जाएगा कुछ देर में, क्या पता। सब्सक्राइब किया तूने? नहीं। जब मैं अपना पहला लैपटॉप लेने आया था, बहुत सारा इश्यूज हो गया बेसिकली, इसलिए हुआ क्योंकि देखो, एक तो पहली बात वहाँ पे जो था ना, मतलब जो बंदे लोग काम कर रहे हैं उनको हैट्स ऑफ, बिकॉज वो एक आदमी था, पांच पांच लोगों को संभाल रहा था। नॉर्मली चलता है ऐसा, बट कैसा है कि अभी ये कोरोना के चक्कर में सिर्फ एक ही आदमी को लाने बुलाया, बट उन्होंने फिर भी पूरी मेहनत की, और बोलते हैं ना, वो एक एक अपना खाना पानी छोड़ के हमारी मदद कर रहा था। ऊपर से लफड़ा ऐसा हो दोस्तों कि पेमेंट जो था, ओके, मैं तो आपको प्रेफर करूंगा भाई कहीं पे जाके कैश ले लो यार, सीरियसली बता रहा, कैश ले लो, क्योंकि जो रुपए का कार्ड है भाई उसमें से पेमेंट का बहुत लफड़ा हो रहा था। लाइक अमेजोन का एक बोलते हैं ना वाउचर मेरा चला गया, 1200 रुपए का कैशबैक मिलने वाला था, वाउचर मेरा फुकट चला गया, ऊपर से मेरा ये भी फुकट चला गया, अच्छा खासा डिस्काउंट जा रहा है बीच में थोड़ा, बोलते हैं ना, मतलब पैसे गए तो अगर दे रहा था मेरा और पैसा बचता था, बट हुआ क्या क्योंकि मैंने कार्ड के थ्रू पेमेंट किया वहाँ पे, तो मेरा 2% और लग गया, ओके, तो ये इश्यू ऐसा हो गया बिकॉज मेरा पैसा बचा नहीं। तो मैं तो आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगर आप HDFC ICICI सब पे बैंक है ना, तो आपको ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है, तो कृपया करके वही लेके जाइए, ना तो और कोई कार्ड मत लेके जाइए, अगर जा रहे ना तो कैश लेके जाइए, बैंक से विड्रॉल करके, या बैंक से विड्रॉल करके अपनी वही कंपनी की ब्रांच से, बिकॉज क्या मालूम है, मैं अपने डायर का कार्ड को डाला तो पहले टाइम पे ना 30,000 का ट्रांजेक्शन निकल गया, तो बिल्कुल नहीं दिखा, दूसरी बार वापस करने गया तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा, इट वॉज लाइक डिक्लाइन, मैं बोला भाई डर गया कि लॉक तो ना हो जाए मेरा कार्ड वापस से। फिर मैं गया दुकान वाले के पास, वहाँ पे उसके अपने मशीन के अंदर उसने डाला, जब निकाला तो वहाँ से भी डाला तो नहीं हुआ, पहले 25,000 निकाला नहीं हुआ, फिर बाद में 20,000 डाला, 20,000 आ गए, फिर उसका लिमिट जो थी वो कम होती गई, 5,000 हो गए, एंड फिर 5,000 मिलते ना, उसने 4-5 अटेम्प्ट करने के बाद 5,000 निकले, और वो अटेम्प्ट करने के बाद फिर से हम वापस बैंक में गए, ATM में गए, वहाँ पे जाके भाई 4-5 दिन मूवमेंट डाल गए, उसके 5वीं बार में हुए ना, मतलब 5,000 निकल गए,
7000 निकल गए और 7000 निकले भाई दे दिया कैश, कार्ड थक गया बेचारा, कार्ड बेचारा बहुत थक गया था। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कौन सा लैपटॉप है, क्या लैपटॉप है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले मैं लैपटॉप वगैरह में जानता नहीं था, मेरा दोस्त है कंप्यूटर इंजीनियर, उसने मुझे अच्छा खासा मेरे को सलाह दी, उस हिसाब से मैं लेके आया। लोग बोल रहे भाई लेनोवो बड़ा अच्छा नहीं है, लेनोवो बड़ा अच्छा नहीं है, ऐसा खराब है भाई, लोगों की लोग शायद से मेरे अच्छा निकल जाए तो नो प्रॉब्लम। बट ऑन द अदर हैंड मेरा लैपटॉप जो है वो लेनोवो S145 UTJ सब उसका नाम है, उसका लंबा चौड़ा नाम रहता है उनके। तो वो था मेरे को पड़ा 31,900 में, अपने भाई ने डिस्काउंट में दे दिया अच्छा खासा, उसकी प्राइस बहुत अच्छी खासी थी, 35 तक था मेरे को 31 में दे दिया। लेनोवो स्टोर जो है आपको उसका लिंक दे देता हूँ यहाँ पे जो गूगल में आपको पता चल जाएगा कहीं पे करके। मैं अब जो लैपटॉप लिया हूँ उसमें 1 TB हार्ड डिस्क है, 4 GB रैम है और उसके अंदर अपना इंटेल का i7 है एंड MS Office इनबिल्ट है।